नेक्स्ट वन एरे ऑफ कैरेक्टर्स इन सी लैंग्वेज। प्रीवियस क्वेश्चन मैंने जितने भी एरे क्रिएट किए थे सारे के सारे एरे क्रिएट हुए थे इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर एलिमेंट्स और एज एन इंटीजर एरे। सेंजिस्टर से आपके लिए इंटीजर एरे क्रिएट करना पॉसिबल होता है यूजिंग डेटा टाइप कॉल्ड एज इंट। इंट केस में जस्ट सप्लाई क्या किया था, डेटा टाइप एरे नेम देन साइज ऑफ एरे। सिमिलर टाइप से कैरेक्टर टाइप का एरे क्रिएट करना पॉसिबल है। कैरेक्टर एरे क्रिएट करने के लिए जस्ट इंट के प्लेस पर आप डेटा टाइप यूज करोगे एज अ कैरेक्टर डेटा टाइप्स। नेक्स्ट वन व्हाट इज द साइज ऑफ दिस कैरेक्टर एरे। और इंटीजर एरे के केस में बात करें टोटल एलिमेंट्स कितने क्रिएट हो रहे हैं, 5 एलिमेंट्स। सेम है कैरेक्टर एरे के अंदर भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने क्रिएट होंगे, ऑल्सो 5 एलिमेंट। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, जैसे इंटीजर एरे के रिस्पेक्ट में एक सिंगल एलिमेंट 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करे, इसलिए टोटल साइज क्या हुआ इसके इसमें 10 बाइट्स। लेकिन कैरेक्टर एरे के केस में एक सिंगल एरे सिंगल कैरेक्टर का साइज क्या रहता है, ऑलवेज 1 बाइट्स। इसलिए टोटल 5 एलिमेंट और सभी एलिमेंट के लिए ओनली 1 बाइट एलोकेट हुआ, इसलिए टोटल साइज क्या हुआ इसके इसमें एग्जैक्टली 5 बाइट्स। क्लियर। जिस टाइप से इंटीजर एरे को डिक्लेरेशन टाइम पर इनिशियलाइज करना पॉसिबल, सिमिलर टाइप से कैरेक्टर एरे को भी डिक्लेरेशन टाइम पर इनिशियलाइज करना पॉसिबल हुआ। इंटीजर एरे के केस में अगर आप कोई भी पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट के लिए कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते, इन केस ऑफ पार्शियल इनिशियलाइजेशन देन डिफॉल्ट वैल्यू क्या था उसके इसमें 0। इन कैरेक्टर एरे के केस में 0 कंसीडर हो गया ASCII वैल्यू ऑफ नल कैरेक्टर, वी कैन से नल कैरेक्टर मींस बाय डिफॉल्ट इन केस ऑफ पार्शियल इनिशियलाइजेशन। पार्शियल इनिशियलाइजेशन के केसेस में जस्ट इसका वैल्यू क्या रहेगा, डिफॉल्ट वैल्यू इज नल। कैरेक्टर एरे को इनिशियलाइज करना पॉसिबल बाय यूजिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। इंटीजर एरे के केस में सारे के सारे एलिमेंट किस फॉर्म में सप्लाई किए थे, इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर नंबर्स। लेकिन कैरेक्टर एरे के केस में एलिमेंट सप्लाई करें इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स, लाइक अ कैरेक्टर ए, कैरेक्टर बी और कैरेक्टर सी, लाइक दैट। मीन्स किसी भी कैरेक्टर्स के रिस्पेक्ट में कैरेक्टर लिटरल भी पास करना पॉसिबल और कैरेक्टर लिटरल के प्लेस पर ASCII वैल्यू भी यूज करना पॉसिबल। जैसे मैंने सी के प्लेस पर जस्ट सप्लाई किया गया ASCII वैल्यू ऑफ सी। इस केस में एरे के अंदर अगर एलिमेंट्स की बात करें, एरे के अंदर टोटल बाइट्स कितने क्रिएट होंगे, 5 बाइट्स, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने क्रिएट हो रहे हैं, 5 एलिमेंट्स। क्लियर। एक सिंगल ब्लॉक का साइज क्या है इसके इसमें, एग्जैक्टली 1 बाइट। अगर फर्स्ट बाइट का एड्रेस 100 है देन नेक्स्ट बाइट का एड्रेस क्या होगा, 101, 102, 103 एंड 104। मीन्स इस केस में जस्ट डिफरेंस कितने का, ओनली 1 का, क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट का साइज क्या है इसके इसमें, ओनली 1 बाइट। प्लस इस कंप्लीट ब्लॉक का नेम क्या हो, अगेन ए फर्स्ट प्लेस पर आसानी का हो जाएगा, बाइनरी नंबर ऑफ ASCII वैल्यू ऑफ ए। इसे ए के रिस्पेक्ट में बात करें जस्ट इसके, अगर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की बात करें इस प्लेस पर जस्ट स्टोर क्या हुआ, 65 और वी कैन से ए। ए आसानी के, लेकिन ए डायरेक्टली बाइनरी फॉर्म में स्टोर करना पॉसिबल नॉट पॉसिबल। मीन्स ए के प्लेस पर जस्ट स्टोर क्या हुआ, ASCII वैल्यू ऑफ ए विच इज 65। प्लस 65 भी डायरेक्टली स्टोर हुआ बाइनरी फॉर्मेट इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर, लाइक दैट। दिस इज द बाइनरी नंबर ऑफ 65। मीन्स इस प्लेस पर जस्ट स्टोर क्या हुआ, 0 1 0 0 0 0 0 1। क्लियर। क्योंकि मैं जितने भी डायग्राम्स क्रिएट करूंगा, डायग्राम्स के अंदर मैं सभी कैरेक्टर एरे के अंदर डायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट एवरी टाइम राइट डाउन क्या करूंगा, ओनली डायरेक्टली कैरेक्टर, जिससे आपकी कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। मीन्स फाइनली फर्स्ट प्लेस पर आसान क्या हुआ, कैरेक्टर ए, तो इसलिए मैं इस प्लेस पर हाईलाइट क्या करूँ, डायरेक्टली कैरेक्टर ए। सेम है सेकेंड प्लेस पर क्या आसान हो जाएगा, कैरेक्टर बी, कैरेक्टर सी। मीन 67 इज इक्वेलेंट टू सी। देन रिमेनिंग प्लेसेस पर क्या आसान होगा, डिफॉल्ट वैल्यू है 0। ठीक है, यहाँ कैरेक्टर एरे, इसलिए कैरेक्टर एरे के इसमें 0 से क्या रिप्रेजेंट होगा, जस्ट नल कैरेक्टर। मीन्स रिमेनिंग प्लेसेस पर डिफॉल्ट वैल्यू क्या आसान होगा, ऑलवेज नल कैरेक्टर्स। नेक्स्ट वन, अगर इसे एरे के एलिमेंट को डिस्प्ले कराना, देन एरे के अंदर एलिमेंट्स किस फॉर्म में, कैरेक्टर्स के फॉर्म में, और सी लैंग्वेज के अंदर कैरेक्टर्स को डिस्प्ले कराने के लिए जस्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे एज अ परसेंट सी। इसके इसमें टोटल कैरेक्टर कितने इनिशियलाइज किए थे, ओनली 3 कैरेक्टर्स, लेकिन मैं डिस्प्ले कितने करा रहा हूँ इसके इसमें, एग्जैक्टली 5। देन व्हाट इज द आउट ऑफ गिवन कोड, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट के किस में इंडेक्स क्या हुआ, 0। मीन्स इसको नेम दो एज अ ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3 एंड ए ऑफ 4। क्लियर। देन जस्ट मैंने पास किया इस प्लेस पर ए 0, ए 1, ए 2, ए 3 एंड 4, फाइनली ए 4।
क्लियर फर्स्ट की जस्ट जैसे इस प्रिंट एफ का एग्जीक्यूशन परफॉर्म हुआ ए जीरो के प्लेस पर जस्ट रिप्लेस क्या हो जाएगा एलिमेंट ऑफ ए जीरो विच इज कैपिटल ए सेम एज ए ऑफ वन के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा बी सेम एज सी नेक्स्ट वन इस प्लेस पर क्या आएगा नल कैरेक्टर लेकिन नल कैसा है इनविजिबल कैरेक्टर और वी कैन से एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर लाइक अ स्लैश एंड स्लैश एंड के केस में कैरेक्टर स्टार्ट किस हो रहा स्लैश से सेम एंड नल स्टार्ट किस हो रहा स्लैश से मीन्स अगर कोई भी कैरेक्टर स्लैश से स्टार्ट होता है तो स्टार्ट के कैरेक्टर को मॉनिटर विंडो पर कभी डायरेक्टली डिस्प्ले करना पॉसिबल नहीं है कभी डिस्प्ले नहीं होगा नल के प्लेसेस पर ऑलवेज क्या प्रिंट होगा मीन्स सिंपली जस्ट स्पेस और ब्लैंक स्पेस मीन्स फाइनली इस केस में आउटपुट में क्या प्रिंट हो जाएगा आउटपुट ऑफ दिस कोड इज जस्ट ए देन स्पेस बी देन स्पेस सी देन नथिंग क्लियर नेक्स्ट वन अगर तो इस पर्टिकुलर केस में किसी भी कैरेक्टर एरे का अगर वैल्यू चेंज करना फॉर एग्जांपल जस्ट मुझे बी के प्लेस पर रिप्लेस क्या कराना है स्मॉल बी तो इस एलिमेंट का नेम क्या है ए ऑफ वन राइट डाउन क्या कर सकते हो इस प्लेस पर जस्ट ए ऑफ वन इक्वल्स टू स्मॉल बी देन बी जस्ट इज स्टोर किस प्लेस पर इन प्लेस ऑफ कैपिटल बी इसमें कैपिटल और अपर बी रिप्लेस्ड बाई स्मॉल बी वन मोर थिंग्स इसके समय देखा जाए इसको आप अदर नेम क्या दे सकते हो एज अ स्ट्रिंग जस्ट नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कम्प्लीटली अबाउट स्ट्रिंग मीन दिस इज द बेस लेक्चर अबाउट स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट क्लियर मीन्स अगर इस प्लेस पर स्ट्रिंग सेम एरे स्ट्रिंग के फॉर्म में डिस्प्ले कराना चाहते हो स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए जस्ट यूज करोगे फॉर्मेट स्पेसिफायर एज परसेंट एस प्लस इसके समय डायरेक्टली पास क्या करेंगे ओनली एरे नेम आपको ऑलरेडी पता है एरे नेम के प्लेस पर रिप्लेस किया जाएगा बेस एड्रेस ऑफ एरे मीन्स इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ 100 लेकिन इसके साथ परसेंट एस के अकॉर्डिंग प्रिंट एफ फंक्शन क्या करेगा 100 लोकेशन से मेमोरी के अंदर कैरेक्टर्स वन बाई वन रीड करना स्टार्ट करेगा प्लस ये रीडिंग कैरेक्टर डिस्प्ले क्या हो जाएंगे ऑन द मॉनिटर जस्ट प्रीवियस प्रिंट एफ से डिस्प्ले क्या हुआ ए बी सी अगर मैं इस प्लेस पर स्लैश एन यूज करता हूँ लाइन चेंज हो चुका हुआ इस जस्ट केस में परसेंट एस के अकॉर्डिंग कैरेक्टर्स किस प्लेस से रीड होंगे फ्रॉम 100 लोकेशन ऑन बोर्ड प्लस 100 लोकेशन में फर्स्ट कैरेक्टर क्या फाउंड हो रहा है ए वन मोर केस इस केस में कोई स्पेस नहीं आएगा क्लियर देन 100 लोकेशन से कैरेक्टर रीड करने का देन जस्ट प्रिंट एफ फंक्शन कैरेक्टर किस प्लेस पर रीड करेगा ऑन द नेक्स्ट बाइट में क्या है स्मॉल बी देन डिस्प्ले क्या होगा स्मॉल बी अगेन डेटा रीड किस प्लेस से होगा नेक्स्ट बाइट देन स्मॉल बी से स्टार्ट फिर डेटा कब तक रीड करेगा जब तक प्रिंट एफ फंक्शन को नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता है मीन से नेक्स्ट केस में इमीडिएटली फाउंड क्या हो रहा है नल जैसे नल मिलेगा तो जस्ट डेटा को रीड करना स्टॉप कर देगा मीन इस प्रिंट एफ से जस्ट डिस्प्ले किया जाएगा कैपिटल ए स्मॉल बी एंड कैपिटल सी दिस द बिहेवियर ऑफ कैरेक्टर है नेक्स्ट सेशन जस्ट डिस्कस करेंगे अबाउट स्ट्रिंग इन सी लैंग्वेज स्ट्रिंग आपके लिए मोस्ट वैल्यूएबल टॉपिक है रिगार्डिंग इंटरव्यू प्रोसेस क्लियर स्ट्रिंग से रिलेटेड जस्ट सबसे पहले मैं बेसिक्स डिस्कस करूंगा देन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन इसके जस्ट और फाइनली डिस्कस करेंगे फंक्शंस और यूजर डिफाइंड फंक्शंस अबाउट स्ट्रिंग इन सी लैंग्वेज स्ट्रिंग आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है।